दिखता दिखता है ना? ठीक है, है। हाँ सर, विजिबल है। ओके। देखो गाइस, रिलीजेस में मैंने तुमको तीन रिलीजेस बताया, मैंने फोर्थ रिलीज तुमको नहीं बताया। विच इज द फोर्थ रिलीज? दिस इज द फोर्थ रिलीज, ओके। ये इंटरनल रोलर है, इंटरनल हिंज एंड इंटरनल रोलर। इंटरनल रोलर इज अगेन वन थिंग, इंटरनल हिंज में सिर्फ मोमेंट रिलीज होता है, इंटरनल रोलर में एक्चुअल फोर्स एंड मोमेंट रिलीज, ऐसी दोनों रिलीज होगा यहाँ पे। इंटरनल इसमें, इंटरनल रोलर में क्या होगा, दो रिलीजेस होंगे। दो रिलीजेस कौन से होंगे? एक्चुअल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सो हियर इज एक्चुअल फोर्स रिलीज एंड रोटेशनल आर रिलीज, क्योंकि इजीली रोटेट हो सकता इसलिए, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीज यानी फोर्स रिलीजेस आपको कौन से मिलेंगे? फोर्स रिलीजेस आपको मिलेगा वन, इसका वन, इसका ये टू, देन ये वन, और ये एम माइनस वन। तो एम कितने नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइन कितने हो रहे हैं? चार मेंबर ऑफ नंबर मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं इंटरनल हिंज को, एक दो तीन चार। तो एम माइनस वन यानी फोर माइनस वन, इट इज इक्वल टू थ्री। तो नंबर ऑफ रिलीजेस इज इक्वल टू सेवन। सो आपका डीएसई इज इक्वल टू, डीएसई इज इक्वल टू गाइस नाइन, डीएसआई इज इक्वल टू सिक्स, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 7 8, दैट इज डीएस। डीएस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ स्टैटिक एनर्जी, ओके। और यहाँ पे ये लिंक, लिंक के लिए भी मैंने बताया आपको, दो रिलीजेस है करके, दो फोर्स रिलीजेस है करके, ये हॉरिजेंटल यानी मोमेंट एंड हॉरिजेंटल रिलीज कर देगा, ओके। मोमेंट एंड हॉरिजेंटल रिलीज कर देगा, लेकिन जब एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेटिंग हो जाएगा तो सब सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा इसमें, इसमें मोमेंट इज इक्वल टू जीरो रहेगा। और यहाँ पे भी एक्चुअल डिफॉर्मेशन जब निगलेटिंग रहेगा रोलर पे भी, तभी ये क्या हो गया, एक्चुअल फोर्स जीरो, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट, ओके। मोमेंट इज इक्वल टू जीरो ही बचेगा, ओके। एनी डाउट? हाँ बोल पूजा। अब न्यू फंक्शन आया है कि हैंड राइज का, तो आप कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आवाज आ जाता। सो आफ्टर दैट जनरल लोडिंग एंड जनरल लोडिंग क्या है, वर्टिकल लोडिंग क्या है, ये हम देख चुके हैं। देन यहाँ पे पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, दिस आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एंड रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, इसके लिए। देन टाइप ऑफ फ्रेम, प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड एंड रिजिड जॉइंटेड, थ्री, ओके। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, पिन जॉइंटेड और रिजिड जॉइंटेड, प्लेन फ्रेम और स्पेस फ्रेम के लिए सिक्स। इसके लिए आर इज इक्वल टू, ट्रस के लिए भी और इसके लिए भी आर इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, तीन लेते हैं सीधे सीधे। बाद में ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि सपोर्ट्स और इसके रिएक्शंस, ओके। सपोर्ट्स एंड इसके रिएक्शंस गाइस, ओके। सपोर्ट्स क्या है, फिक्स के लिए क्या होता, इंटरनल हिंज के लिए क्या होता, ओके। तो ये भी हमने देख लिया है और इसके एग्जांपल्स देखे हैं। सो एग्जांपल्स आपको सॉल्व कर करके लेना था, एग्जांपल्स भी हमने बहुत कुछ देख लिया है। सो नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व, तो ये आपने देखे क्या सॉल्व करके, यही सेम सॉल्व वाले एग्जांपल ही गाइस। सॉल्व वाली एग्जाम्पल ही सॉल्व करके देखी क्या आपने, दिस सॉल्व एग्जाम्पल आपने सॉल्व करके देखी क्या? नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप देख लो सॉल्व करके, वो बेटर रहेगा, ओके। वो बेटर रहेगा। देन डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर एंड इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का दोनों का ये देखे है डिफरेंस, देखिए कि क्या क्या डिफरेंस रहता है करके, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर एंड इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर सेम पढ़ लो आप। अनस्टेबल और डिफिशियट स्ट्रक्चर, ये मैंने, ये अपना टॉपिक कल हो गया अनस्टेबल एंड डिफिशियट स्ट्रक्चर का।
ओके ये स्टेबल है इसी का, अगर इसी फॉर्म में है तो अनस्टेबल है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। एक्सटर्नली अनस्टेबल, एक्सटर्नली अनस्टेबल कैसी है, इंटरनली अनस्टेबल कैसी है, लोकली अनस्टेबल कैसी है, तो ये सब कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया। दिस इज लोकली अनस्टेबल। लोकली अनस्टेबल यानी क्या है, अ स्ट्रक्चर में हैव लोकल इंस्टेबिलिटी फॉर मोर फोर्स इफ मोर फोर्सेस आर रिलीज, मोर फोर्सेस आर रिलीज, मोर फोर्सेस आर रिलीज अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लोकली लोकल अनस्टेबिलिटी, लोकल अनस्टेबिलिटी। द फ्रेम अबो एक्सटर्नली अनस्टेबल, एक्सटर्नली अनस्टेबल क्यों एक्सटर्नली अनस्टेबल है, अरे गाइस यहाँ पे दो रोलर है और एक रोलर ऐसी लगा है, फोर्स यहाँ पे लगा है तो ये ऐसी घूमेगा क्लॉकवाइज, ओके दैट्स व्हाई एक्सटर्नली अनस्टेबल। डायरेक्टली रोटेड एज रिजिड बॉडी एज राइट सपोर्ट, एज राइट सपोर्ट इज ए रोलर वर्टिकल प्लेन, ओके रोलर वर्टिकल प्लेन। अब ये भी एक बीम में, मैंने कल क्या बताया था आपको, एक बीम में एक से ज्यादा, यानी लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक बीम में एक से ज्यादा आपके क्या नहीं होने को होना, हिंजेस नहीं रहने को होना, इंटरनल रहेंगे हिंजेस। ओके। तो एक से ज्यादा इंटरनल हिंजेस रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल लोकली, अनस्टेबल लोकली, ओके। द नेक्स्ट, अब यहां पे क्या है कि यहां पे आपने दे दिए बार्स, यहां पे भी आपने दे दिए बार्स, और बी सी ई एफ में नहीं है, तो बी सी एफ ई अगर हम देखते तो हेंस द ट्रस विल कोलैप्स इफ द ट्रस कॉन्सेंट्रेटेड सो दैट इट डज नॉट होल्ड ज्वाइंट्स, होल्ड ज्वाइंट्स इफ फिक्स पोजिशन, इफ फिक्स पोजिशन इट विल बी अनस्टेबल हेंस क्रिटिकल फॉर्म, ओके। तो यहां पे क्या होता है कि इसकी डी ओ ऐसा है, आप निकालो डी ओ ऐसा, इसका क्या निकलता, ये इसका और ये इसका सेकंड पैनल में डायगोनल्स नहीं है करके ये फिक्सिटी में फेल होता, ये इंटरनली फेल होता। अगर आप देखते तो डी एस आई, डी एस आई इसका क्या निकलता गाइस, हाउ हाउ मच नंबर ऑफ मेंबर्स ये, प्लीज हाउ मच नंबर ऑफ मेंबर्स ये गाइस, फोर्टीन 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10, 10 + 4 14, 14 नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके 14 नंबर ऑफ मेंबर्स, 14 इज इक्वल्स टू, में आपको करना है जॉइंट्स, हाउ मेनी जॉइंट्स, 8 जॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट्स, सो 8 × 2 = 16 -3, 16 माइनस 3 13, 13 ओके। एम इज ग्रेटर देन 2j - 3, यानी आप बोलोगे सर इंटरनली तो स्टेबल है, इंटरनली तो स्टेबल है, आओ इसको बोर्ड पे एक बार देखते हैं, यानी आपको समझ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके। यानी लोकली अनस्टेबल में क्या, किस तरह हम देखते हैं लोकली अनस्टेबल, लोकली अनस्टेबल वाला लास्ट वाला एक पॉइंट आपका बाकी है, ओके। सो व्हाट इज लोकली अनस्टेबल नाउ, वन मिनट, सेम क्वेश्चन, इंस्टेबिलिटी में लोकली अनस्टेबल गाइस, ओके। Just like this frame, letting but a truss, huh? Okay. So this is a hinge support, and there is roller support.
ओके सो हिंद सपोर्ट एंड रूलर सपोर्ट. DSE is equals to 0. 3 minus 3 is equals to 0. DSI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ पे लोड है क्या? अगर यहाँ पे भी नोड रहता था तो ये दो मेंबर्स भी रहते थे, लेकिन लोड नहीं है. दैट्स व्हाई दिस इज टोटल डायगोनल मेंबर, टोटल डायगोनल मेंबर. ओके सो व्हाट इज एम नाउ? एम इट इज इक्वल्स टू एम माइनस टू जे माइनस थ्री. सो एम इट इज इक्वल्स टू 14. टू जे एन टू थ्री फोर यानी 8. टू एन टू 8 minus 3, 2 into 8 minus 3, 16 minus, yane, 14 minus 13, it is equals to 1. Okay, so DOSI is equals to 0 plus 1 is equals to 1, but it is locally unstable. लोकली अनस्टेबल. क्यों लोकली अनस्टेबल? क्योंकि आपको सिमिलर डायग्राम नहीं दिख रहा है. सबसे पहले अगर फेल क्रिटिकल होगा, यानी क्रिटिकल लोड अगर आपने अप्लाई किया, तो सबसे पहले फेल कौन होगा? दैट ए बी सी डी ई एफ. दिस ई एफ इट्स फेल, ई एफ इट इज फेल. ओके तो द पोर्शन, ये पोर्शन में आपका अगर डायगोनल नहीं है तो ये पोर्शन आपका क्या है? इंटरनली अनस्टेबल, इंटरनली अनस्टेबल. सो इंटरनली अनस्टेबल है, इसीलिए आप क्या करोगे कि यहां पे द पोर्शन वन मिनट द बी सी ई एफ बी सी ई एफ जोन इज लोकली unstable due to no diagonals, due to no diagonals. वो आप वहां पे पूरा अच्छे से लिख के, वहां पे पूरा अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देखिए. अगेन सेम लाइक दिस, अगर हम देखते कि लोकली अनस्टेबल वाले क्वेश्चंस देखते कि लोकली अनस्टेबल अपने को पूछ सकते, तो उसके भी क्वेश्चंस हम सामने देख लेंगे कि लोकली अनस्टेबल कौन से है और क्या है, अनस्टेबल ट्रसेस कौन से है. उसके क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन से ही हम जाते हैं अभी. ओके क्लासरूम क्वेश्चन ही सॉल्व करते आपको समझ जाएगा. ओके फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम आर अनस्टेबल. कौन से फॉलोइंग फ्रेम आर अनस्टेबल है? विच आर द फॉलोइंग फ्रेम्स आर अनस्टेबल?
कौन सा है गाइस? हो गया सॉल्व आपका? आपने कर लिया ये पूरे सॉल्व कर लिए क्या? पहली डायग्राम स्टेबल है सर, पहली डायग्राम स्टेबल है। आंसर बी आएगा फिर, बी नहीं तो सी में से आंसर होगा। अनस्टेबल है पहली, अनस्टेबल है पहली, एग्जैक्टली अनस्टेबल है पहली। एम इज लेस देन 2j माइनस 3, यस इंटरनली अनस्टेबल है। डिफिशिएंट है ना, डिटर्मिनेंट है सर वो, मतलब टोटली ओवरऑल डिटर्मिनेंट है। यस ओवरऑल डिटर्मिनेंट बट अनस्टेबल। हाँ अनस्टेबल, इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों वन वन आ रहा है, वन माइनस वन। तो आंसर सी नहीं तो बाकी ये वाला ये वाला ये वाला ये तो आपको पता है कि ये लोकल ही अनस्टेबल है। एक इसमें तीन इंटरनल हिंजेस हो सकते क्या? नहीं हो सकते, सिंपल ये तो अनस्टेबल है ही। फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला ऑप्शन किस में है? इसी में है एंड देन ऑल में। तो अभी ऑल है या नहीं है ये आपको बताना है। ये सेकंड वाले ऑप्शन में ये हिंज जॉइन करना। आंसर सी, आंसर सी है। सी लुक इट, डी आएगा ना सर, डी ये था। ओके डी आ रहा, सी आ रहा, देख लेते अनस्टेबिलिटी में। पहला तो 101% सबका निकल गया होगा, एम इज लेस देन, यानी पहले पहले डायग्राम के लिए। क्वेश्चन नंबर वन, सेकंड ही बता दो सर, बस सेकंड में डिफिकल्ट है। पेज, हाँ पेज नंबर, विच पेज नंबर? नाइन, पेज नंबर नाइन। सो पहले से जाता है, जिसको पहले इसमें प्रॉब्लम होगा तो ओके। हियर इज हिंज, हिंज ओके, डी एस ई इज इक्वल्स टू, डी एस ई इज इक्वल्स टू टू माइनस फोर माइनस इक्वल्स टू वन, डी एस आई इज इक्वल्स टू एम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स माइनस वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इंटू टू माइनस थ्री माइनस वन ओके। सो डिफिशिएंट स्ट्रक्चर, इंटरनली डिफिशिएंट। स्ट्रक्चर प्लस इंटरनली अनस्टेबल,
इंटरनली अनस्टेबल, डायरेक्टली इंटरनली अनस्टेबल हो गया। इंटरनली अनस्टेबल हो गया यानी अनस्टेबिलिटी में पहला ये आ गया। ओके इसका डीएस क्या रहेगा? वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यानी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट है ओके, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है बट इंटरनली अनस्टेबल है, इंटरनली अनस्टेबल है। सो अनस्टेबल में पहला आता। सेकंड सेकंड इज गाइस ये आपको अभी डायरेक्टली समझने को ना कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली में एक्सटर्नली अनस्टेबल है। क्यों एक्सटर्नली अनस्टेबल है? लुक एट दिस पॉइंट्स। द रिएक्शन या द सपोर्ट इज लाइक हियर नॉट दैट नोड। ओके सो व्हाट हैपेंड इफ यू अप्लाइड लोड? What happened? This all the forces or the nodes यहां पे भी आपको यहां पे देखिए support. So क्या हो सकता, क्या हो सकता कि अगर आपने ये यहां पे नोड नहीं दिया और यहां पे दे दिया, इट इज लोकली अनस्टेबल। वाय? अरे बाबा यहां पे भी आपने सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ एक बार दिया क्योंकि कंप्लीट आपको ट्रस्ट होना, कंप्लीट ट्रस्ट होना, और ये भी आपका पॉइंट दूर है। सो क्या होगा कि इस केस में क्या होगा कि यहां पे 101% जब आप लोड अप्लाई करोगे, हियर इज लोड अप्लाई होगा तो ये क्या होगा? बकल, बकली। बकलिंग होगा। और ड्यू टू दैट बकलिंग, बकलिंग इज पॉसिबल? नो पॉसिबल। बकलिंग ट्रसेस में नहीं लेते, बेंडिंग ही नहीं लेते, तो दैट्स व्हाई लोकली अनस्टेबल। दिस इज लोकली अनस्टेबल ड्यू टू दस दस एंड दस, लोकली अनस्टेबल। सो ये लोकली अनस्टेबल रहा था। अब आप बोलेंगे कि इसका डीएस मैं निकाल के देखता, तो डीएस क्या था? हाउ मच डीएस अगर मैंने ये रेड वन कंसिडर नहीं किया, सिर्फ ब्लू ब्लैक वन कंसिडर करो, तो मेंबर्स इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये फाइव ले लिया मैं। ओके 14 मेंबर्स, एम इज इक्वल टू 14 जॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जॉइंट once again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 okay so 14 minus 2 into 9 minus 3 so 18 minus 3 it is 15 minus 1 DSI minus 1 it is again internally unstable plus locally unstable, internally unstable plus locally unstable. So internally unstable and deficient plus locally and locally unstable. Got it?
पहले मैंने लोकली बता दिया कि लोकली किस तरह है, देन इट इज इंटरनली अनस्टेबल, गाइस इंटरनली अनस्टेबल. देन दैट इज सेकंड वन. गो टू द थर्ड वन. डायग्राम को बहुत अच्छे से देखते जा, बिकॉज ऑफ जो भी डायग्राम वहां पे देखे वो अच्छे से अगर आपने देख ली तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि क्या चल रहा है. ओके, नेक्स्ट डीज, नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट ट्रस, थर्ड ट्रस. अगर आपके अभी यहाँ पे दो अनस्टेबल है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते. आपको कौन से, इसमें फिफ्थ वाला तो अनस्टेबल है, अभी देखो कितने कितने अनस्टेबल है. सेकंड, फर्स्ट इज अनस्टेबल, सेकंड इज अनस्टेबल, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ. किस इसमें देखिए, किसी भी इसमें नहीं देखिए तो ऑल इज द आंसर, डी इज द आंसर डायरेक्टली. अभी यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, डिक्लेयर कर सकते क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ देखिएगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं देखिए. फर्स्ट सेकंड सी ऑप्शन में देखे ही नहीं है तो सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता. फर्स्ट इज अनस्टेबल, इंटरनली अनस्टेबल, सेकंड इज अनस्टेबल. ओके, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, फिफ्थ इज ऑल्सो अनस्टेबल. तो फिफ्थ क्यों अनस्टेबल है, फिफ्थ आपका इसके वजह से अनस्टेबल है. तीन आपके ये जो है, क्या बोलते हैं आपके, वन मिनट गाइस, अभी दिख रहा है सबको शेयर स्क्रीन? So, देखो पहला तो अनस्टेबल है, दूसरा भी अनस्टेबल है और फिफ्थ वाले भी अनस्टेबल है. तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोला है, फिफ्थ बोला है कि नहीं बोला है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बोला है, फिफ्थ नहीं बोला है. ओके, एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बोला है, फिफ्थ तो है अनस्टेबल भाई. तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ रहने को ना, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ रहने को ना अभी फिलहाल में. तो ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो डी इज द ऑप्शन. इसी इसमें आप टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली डी को क्लिक कर दोगे. ओके, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड तो है अनस्टेबल एंड फिफ्थ वाला भी अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ तीन तीन उसमें क्या है, इंटरनल हिंजेस है. तो इट इज लोकली अनस्टेबल, दिस इज लोकली अनस्टेबल फिफ्थ वन, इट इज लोकली अनस्टेबल. तो लोकली अनस्टेबल है फिफ्थ वन, तो लोकली अनस्टेबल है सिर्फ और सिर्फ ये मेंबर के लिए. सो दैट्स व्हाई ये भी लोकली अनस्टेबल, दिस इज ऑल्सो लोकली अनस्टेबल एंड दिस इज इंटरनली अनस्टेबल. So, internally unstable, locally unstable, locally unstable. तो यहाँ पे all is the answer, रहने को ना, ये भी आपके unstable ही रहेंगे. अब ये कैसी unstable रहेंगे वो भी देख लेते जरा, उससे भी आपको पता चल जाएगा. Answer is D, guys. Okay. Third इसकी unstability देखते हैं. सर blur है थोड़ा. Blur? ब्लर तो नहीं रहने को ना. अभी ठीक है सर, क्लियर है कि ठीक है? ब्लर है सर थोड़ा सा. वन मिनट. अभी बताओ क्लियर है सर? क्लियर है? हाँ सर. ओके, सब लोग गायब हो रहे हैं. बोर लगता है ये टॉपिक? हार्ड है सर. नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा हार्ड. हार्ड है याला, हार्ड होना तो फिर तो साला सुमर तो नुका करू मग. वरना स्ट्रक्चर एनालिसिस वर गेट निघत नाही. गेट कशावर निघते? Environmental engineering, transportation engineering, surveying,
नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट पे गेट निकलता है. स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स इट्स वेरी टफ. इसके एक सेकंड मेथड भी है, फोर्सेस निकालो, फोर्सेस निकाल के अनस्टेबिलिटी चेक करो. मैं वो आपको नहीं बता रहा, वो तो इससे ऐड है. आपको सबसे पहले जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड आने को ना. उसमें जॉइंट मेथड सेक्शन मेथड से इसके फोर्सेस अगर निकाले अपन ने, तो फोर्सेस से फ्लो के पता चलता कि फोर्स रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे अनस्टेबिलिटी चेक होती. बट जरूरी नहीं है ना गाइस, क्यों मैं चेक करूं, क्यों मैं वहां पे जाऊं. मुझे पता है कि डिफिशिएंट है तो अनस्टेबल ही है 101%. एक खादी प्रॉब्लम ही ऐसे रहता कि डिफिशिएंट स्ट्रक्चर इज नॉट अनस्टेबल. एक खादी, वो भी गेट में नहीं, ईएससी में पूछता है. तो आप ईएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, सो व्हाई, क्यों मैं जाऊं उसमें, नहीं जाता. नहीं तो इसको आप रिजोल्व करके भी देख सकते अनस्टेबिलिटी. अगर आपको वो भी देखना है अनस्टेबिलिटी, तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस का वॉल्यूम वन का बुक ले सकते हैं आपका. इसका वन मिनट, वज्रानी रत्वानी वॉल्यूम टू ही आपके पास होगा. वॉल्यूम वन में दिस टॉपिक इज कवर्ड. अगेन सेकंड बुक इट इज पुनमिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस बाय पुनमिया. ओके, उसमें भी है टोटली देखिए कि अनस्टेबिलिटी कैसे चेक करना विद द स्टेप्स, फोर्सेस रिजॉल्व करके. बट नो नीड. देखो अभी यहां पे क्या हो रहा, यहां पे एक हिंज है, यहां पे एक रोलर है. ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएसआई चेक करते हैं. अगर डीएसआई अपना -1 है तो इट इज अनस्टेबल है. डीएसआई अगर -1 नहीं है तो दैट इज इंटरनली तो अनस्टेबल नहीं है, लेकिन लोकली अनस्टेबल है. अब लोकली अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इज डिफिशिएंट. तो इसलिए लोकली अनस्टेबल है. ओके, तो भी देख लेते. सो यहां पे सबसे पहले डीएसआई, व्हाट इज डीएसआई, डीएसई तो आपका ग्रेटर देन 1 है, ये तो आपको पता है. DSE, it is equals to, what is DSE? It is equals to, here is 2, and here is 1, reactions. So, 5 minus 3, it is equals to 2. DSI 0. 1, okay, DSI 0, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, and 7. 7 members. Okay. 7 minus joints. 1, 2, 3, 4, 5. So? Huh? DSI is 0. Yes, exactly. So, three rollers. Kya? Three supports roller, sir. Sorry? Oh. Three supports roller. Then it's equals to externally unstable. Sorry. One. 3 minus 3, 0. Then it is externally unstable, guys. Externally unstable. Why externally unstable? Bata tha. Okay, and locally unstable also. 7 minus 2 into 5 into 2. Because of 5 joints. 1, 2, 3, 4, 5. Into 3. It is equals to 0. So DS is equals to 0. Degree of static intermittency. Overall, this figure, it is equals to 0. But it is locally unstable. Why locally unstable? Jab aap yahan pe aapka kuch bhi loading hoga, to ye jo bar hai, ye bar aapka yahan pe, that is locally unstable. Locally अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे बार है तो यहाँ पे रहने को ना, यहाँ पे तो यहाँ पे रहने को ना, यानी मेंबर रहने को ना, दैट इज लोकली अनस्टेबल. एंड अगेन तीनों रोलर है, तो स्विच अगर मैंने यहाँ पे ऐसी लोड लगा दिया तो मेरा पूरा फिगर यानी पूरी बॉडी मेरी रोड यानी क्या करेंगी, डिस्प्लेस, मूव करेंगी.
टोटल बॉडी इज मूव ड्यू टू दिस थ्री रोलर्स. एक कोई तो भी रोलर आपका वन रोलर आपका इस तरह होना था, तब क्या होता था, हॉरिजॉन्टल मोमेंट इज रेजिस्ट. हॉरिजॉन्टल मोमेंट रेजिस्ट होगा क्या, अभी नहीं हो रहा. हॉरिजॉन्टल मोमेंट ने दो रोलर्स मैंने अभी जैसी की, यही एक्सटर्नली अनस्टेबल कैसी नहीं रहेगा, एक्सटर्नली अनस्टेबल कैसी नहीं रहेगा, एक्सटर्नली स्टेबल कैसे रहेगा. तो एक्सटर्नली स्टेबल इस तरह रह सकता कि ये अगर मैंने सपोज क्या कर दिया रहता था, यही अगर मैंने इस तरह अगर प्रोवाइड कर दिया सपोज, और ये मेरे दोनों इसी तरह है, तो ये दोनों क्या क्या दे रहे, रिएक्शंस दे रहे मुझे, इधर इधर रिएक्शंस दे रहे, और ये क्या दे रहा है, जो भी हॉरिजॉन्टल मोमेंट है उसको रोक रहा, ये एच को रोक रहा, ये दोनों वी को रोक रहा है, ओके वर्टिकल को रोक रहा है, तो ये एक्सटर्नली स्टेबल है अभी. Externally stable and thus externally unstable. This is externally unstable. Why externally unstable? Because of horizontal and locally unstable again. Okay. Two. यहाँ पे दो. Locally के लिए आप उतना tension मत लो. आपको इतने deep में university exam में तो नहीं पूछेंगे. यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता भी है ऐसे में स्ट्रक्चरल में आता तो नीचे, मैं कुछ क्वेश्चन अभी आपके जो अपना पर्सनल वाला ग्रुप है उसमें मैं सेंड करता, तो उसमें आपको समझ जाएंगे कि कौन से कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं. ओके सो वो टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और ये निकालना पड़ता है. यानी आपको डीओ के आई निकालना पड़ता. कल एमटेक का पेपर था तो एमटेक के पेपर में वहां पे भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का पेपर था एक्चुअली. तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का पेपर था तो मैंने देखा, तो वहां पे अभी डायरेक्टली आपको सैंड फाउंड्री से तो आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन वहां पे जो भी है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मेंसी वगैरह डायरेक्टली डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मेंसी और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मेंसी ये पूछा गया था. तो काइनेमेटिक इंडिटर्मेंसी डीओके एंड आपको मेंबर स्टिफनेस भी पूछा गया था कि मेंबर स्टिफनेस क्या है, उसके डेरिवेशंस क्या है, डेरिवेशंस पे वगैरह क्वेश्चंस थे. इजी था क्वेश्चन पेपर. एक्सटर्नली अनस्टेबल ओके और लोकली अनस्टेबल, ये अभी समझ गए आपको. ये एक्सटर्नली स्टेबल, ये टाइप का एक्सटर्नली क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, यानी नेक्स्ट क्या था उसमें, फोर्थ वाला बताओ उसका मेंबर यानी डीएस आया क्या है, वो तो अनस्टेबल ही है क्योंकि उसमें जो ये है आपके क्या बोलते हैं डायगोनल्स, देखिए डायगोनल्स आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई लोकली अनस्टेबल. बट डीएसई माइनस वन, ओके डीएसई डिफिशिएंट है ना, डीओएसआई माइनस वन आ रहा क्या, या इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी माइनस वन आ रहा, DSE 1 आता है और DSI minus 2 आता है. Minus 2 आ रहा है ना, that is deficient structure ना. Deficient structure it is unstable structure. आपको अगर एक statement रहा कि DSE structure it is unstable structure always, तो that is not correct. Okay. यानी अगर आप बोलोगे कि सर ने हमको कैसे बताया कि डीएसई इट्स लेस देन वन देन अनस्टेबल स्ट्रक्चर, तो ये अलवेज करेक्ट नहीं रहेगा. 99 टाइम्स करेक्ट रहेगा, 1% एक आधी डायग्राम ऐसी रहेंगी कि वो अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है, लेकिन वो क्वेश्चन वो आंसर इसमें है ही नहीं. यानी मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो कि इससे भी अपन कर सकते क्या, उसमें भी हम ये दे सकते क्या, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट क्या है, जैसे अभी यहाँ पे ये फिगर के लिए क्या है मेरा, ये फिगर के लिए मैं देखता हूँ, वन मिनट, ये फिगर में मैं आपको लोकल अनस्टेबिलिटी अभी बताता कि लोकल अनस्टेबिलिटी क्या है.
What is local instability? So guys, अभी क्या हो रहा, आप डायगोनल पे ध्यान दो, ये पहला डायगोनल यहाँ पे है, सेकंड डायगोनल यहां से लेके यहाँ पे होना था, ये पार्ट मेरा लोकली अनस्टेबल, दिस पार्ट इज लोकली अनस्टेबल। देखने की जरूरत नहीं है डीएसआई लोकली अनस्टेबल, लेकिन ये समझने को ना लोकली अनस्टेबल ये पार्ट। ओके, अब मैंने अगर डीएसआई निकाल भी दिया, डी एस ई इट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1 एंड डी एस आई इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 3 सर, माइनस 3 है तो 8 9 10 11 माइनस 1 नहीं 12 13 14 हां 15 16 16 नहीं, 5 पहले ही पकड़ लिया मैंने, so that is 15 15 ना 15 member ना हाँ 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 2 1 2 10 minus 3 20 minus 3 17 दो नहीं था ना रे minus 2 internal DSP sir D क्या DSP minus 3 आता वापस हाँ सॉरी 4 माइनस 3 इतने 3 इतने हाँ ठीक है, मैंने आंसर ही लिख दिया डायरेक्टली 1 वहां पे 4 माइनस 3 है इट इज इक्वल टू 1 तो डीएस डी ओ एस आर इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इट इज इक्वल टू माइनस 1 यानी ये एक्सटर्नली डिफिशियंट स्ट्रक्चर है टोटली डिफिशियंट स्ट्रक्चर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर इज determinant structure but deficient internally deficient structure internally deficient structure deficient so deficient hai and locally unstable bhi hai locally unstable bhi hai to dono part hai isme locally unstable bhi hai aur deficient bhi hai सो लोकली अनस्टेबल है और डिफिशिएंट है तो डीएसआई इज लेस देन 1 ट्रस्ट में अगर डीएसआई मेरा इट्स लेस देन 0 है तो मेरा अनस्टेबल है ये आप 100% पकड़ ही लो अनस्टेबल है ये आप 100% पकड़ लो अनस्टेबल अनस्टेबल है 100% आप पकड़ लो लेकिन अगर स्टेटमेंट में पूछा तो नॉट करेक्ट है ये भी आप देख लो ओके स्टेटमेंट लिखो स्टेटमेंट अब आपको तो समझ में आ गया होगा ना फिफ्थ वाला तो बताने की जरूरत नहीं है ना फिफ्थ वाला क्या है लोकली अनस्टेबल है फिफ्थ वाला अगर देखेंगे आप तो क्या है लोकली अनस्टेबल आप वहां पे डीएसआई इज इक्वल टू क्या होता जीरो होता या 3 होता उससे आपको पता चल जाएगा कि DSI is not non-zero भी रहा तो भी आपका क्या रहता रह सकता वो फ्रेम में तो अपने को लोकली अनस्टेबल से ही देखना पड़ेगा फ्रेम के लिए मुझे DSI का नहीं रहेगा यहां पे देखो यहां पे ये 3 इंटरनल हिंजेस है This beam is locally unstable. This beam is locally unstable, guys. अगर आप इसका DSI देखते तो 3C होता यानी एक कट यानी 3 × 1 इट इज इक्वल टू 3. DSE देखते तो 3 3 सो 6 माइनस 3 3 3 रिएक्शंस नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए r इज इक्वल टू 6 हो गए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज इक्वल टू 3 तो यहां पे भी कितना आएगा 3 डी ओ एस आई
DOSI, it is equals to DOSI is equals to 3 plus 3 minus releases. Releases is equals to minus 1, minus 1, minus 1, minus 3. So DOSI is equals to 3. बट यहाँ पे आपको डीएसआई माइनस में है क्या? नहीं है. तो यहां से आपको एक स्टेटमेंट मिलता कि डीएसआई अगर माइनस ट्रस्ट में है तो 101% इट इज अनस्टेबल. 101% इट इज अनस्टेबल क्योंकि ट्रस्ट में मुझे मैंने बहुत देखा, मुझे वो क्वेश्चन ही नहीं दिखा कि डीएसआई इट्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है तो वो अनस्टेबल नहीं है करके. वो अनस्टेबल ही, वो अनस्टेबल ही है. लेकिन स्टेटमेंट क्या बोलता? स्टेटमेंट ये बोलता ऑलवेज के आपका ये है कि डीएसआई इज लेस देन जीरो रहेगा या फिर नहीं भी रहेगा तो भी वो लोकली अनस्टेबल रह सकता है. ओके, और ऐसी जरूरी नहीं है कि डीएसआई इज लेस देन जीरो है तो भी वो अनस्टेबल है करके. ओके, यानी क्या? यानी आप कंफ्यूज हो जाओगे. पहले आप लिख लो, लिख लो गाइस के the DSI, the DSI is less than zero, then the structure, truss structure, Yaffe structure, then truss frame is internally unstable. Internally unstable. Truss frame is internally unstable. Truss or frame is internally unstable. Internally unstable. Okay, it is not 100% for all structure. It is, this is not valid for all trusses and frames. This is important. सबके लिए ये वैलिड नहीं है. ओके, अगर आपको स्टेटमेंट में पूछा है कि डीएसआई इज लेस देन वन और वहां पे अनस्टेबल है और वहां पे ये भी पूछा है कि इट इज वैलिड और नॉट, तो नॉट वैलिड. अनस्टेबल है देन इट इज अनस्टेबल. वैलिड, वैलिडिटी का अगर आपको पूछा है, वैलिडिटी अगर आपको पूछा है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है तो इट इज नॉट वैलिड. क्या वैलिड नहीं है? कि DSI is less than zero, then the frame or truss is internally unstable. ये वैलिड है या नहीं है तो नॉट वैलिड है. तो क्या है? नॉट वैलिड है फॉर ऑल ट्रसेस एंड फ्रेम्स. ट्रसेस एंड फ्रेम्स के लिए नॉट वैलिड है. ओके, बट अगर आपको ये पूछा है, वैलिड नहीं, अगर आपको ये पूछा है कि DSI is less than zero, then unstable है, deficient है, so that is unstable. That is unstable है. समझा क्या guys? क्या बोल रहा हूं मैं? DSI is less than zero है और validity का कहीं पे भी ये नहीं है, उच्चार नहीं है validity का, तो then it is our options है stable, unstable. Stable, unstable, A and B, और none of the above. तो unstable ये option रहेगा. यानी अगेन मैं आपको लिख के देता कि किस टाइप का क्वेश्चन रह सकता. यह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना जो भी है ना उनसे कोई भी नहीं बताता. डीप लेके गए तो आप उड़ जाते, आपका दिमाग उड़ जाता.
DSR is less than zero, then the frame is unstable, stable C, deficient internally, and D, unstable internally. So MSQ question hai. MSQ question. Multiple select question. Okay. So multiple select question में अभी option correct कौन से है, यहाँ पे correct option है, this is the correct option. Unstable not a correct option. Again correct option कौन सा है? Unstable internally. Unstable internally it is the correct option. And this is the correct option. If DSI is less than zero. DSI is less than zero. Degree of static internal indeterminacy, it is less than zero. Internal indeterminacy is less than zero. Then the frame is deficient internally, and unstable internally. Unstable internally. This is the two are the correct option. आपने ये cut कर दिया, zero marks. दोनों अगर आपने बराबर कर दिए, वन मार्क. ओके, वन मार्क. गॉट इट गाइस? एमएसक्यू क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है, ये दो आपको टिक करना पड़ेगा, दो आपको टिक करना पड़ेगा. ओके, गॉट इट? आई होप सो कि आपको अभी अच्छे से समझ गया है. अभी आप सेकंड क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बता दो. हेलो सर. हाँ बोलो सर. सपोज तीन आंसर रहे बी सी डी और हमने दो ही टिक किए सी डी, तो भी जीरो मार्क? जीरो. इफ इट इज, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इफ इट इज तीन आंसर है और आपने दो ही टिक किए कर दिए. अब यहाँ पे अनस्टेबल, मैंने सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबल बोला. इट मे बी चांस अनस्टेबल लोकली, जब भी आपका ये रहेगा यहाँ पे भी अनस्टेबल इंटरनली तो होगा ही, और जनरली जब भी इंटरनल है, जब ये रहता क्या रहता, अनस्टेबल इंटरनली रहता, तब भी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे लोकली रहेगा, अनस्टेबल लोकली भी रहेगा. एट दैट सेम फ्रेम अनस्टेबल लोकली भी रहेगा. तो अनस्टेबल लोकली रहेगा तो आपका आंसर ये भी है फिर, यानी अभी क्या है, तीनों आंसर है. अनस्टेबल लोकली इज द आंसर, डिफिशियंट इंटरनली इज द आंसर, एंड अनस्टेबल इंटरनली इज द आंसर. तीनों आंसर रहेंगे, क्योंकि डीएसआई जब कम रहता तब लोकली भी अनस्टेबल रहने के ज्यादा चांसेस रहते, अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया. ओके, सो वन थ्री एंड टू, अगर आपने ये टिक ही नहीं किया तो आपको क्या मिलेंगे, जीरो. और लोकली का उधार ही नहीं है, यानी लोकली लिख के ही नहीं है, तो दो ही आंसर है. तो क्या है, दो ही आंसर है. सो दैट्स वाई जब भी आप टिक करोगे तब आपको पता चलने को ना, और वो बहुत अच्छा हो गया, एमएसक्यू आ गया, निगेटिव मार्किंग थोड़ी तो कम होगी, नहीं तो निगेटिव मार्किंग इज ह्यूज. ओके, अभी तीनों आंसर है. अभी क्या है, तीनों आंसर सर. स्टेबल आंसर नहीं है बस. ओके, बताओ सेकंड वाला सॉल्व करके बताओ क्या है. आराम से सॉल्व करो.
क्या आता बताओ? स्टेबल है, स्टेबल है। डिटरमिनेंट अनडिटरमिनेंट डिवर्सलाइज जीरो सर, डीएसआई डीएसई भी जीरो और डीओएसआई भी जीरो। डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है सर, सब जीरो आ रहा है। आंसर ए। डीएसआई कितना निकलता? जीरो, जीरो। 15 मेंबर, 15 मेंबर, 9 जॉइंट। व्हाई 15 मेंबर? देयर आर द 16 मेंबर्स। ओके 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 ओके। प्रिंटिंग एरर इज देयर, ठीक है। प्रिंटिंग एरर इज देयर, ठीक है। ऑप्शन ए स्टेबल एंड डिटरमिनेंट है ना? हां सर। This is the option. Option A, stable and determinant. Okay. 1 minute. Printing error है आप? आप question में क्या कर लो? Same question is asked in SSC. कभी कभी आपको ट्रस्ट ऐसी लगता होगा लड़कियों को, तो ये तो हमारी रंगोली है, इस टाइप की नहीं निकालते बोल ना, अभी ये ओल्ड टाइप हो गया। ये भी एक मेंबर है गाइस। सर शेयर स्क्रीन चालू है? हाँ यस। ये भी एक मेंबर है, तो ज्वाइंट उठते रहेंगे, एक मेंबर बढ़ गया है यहाँ पे। अभी बताओ तुमने आंसर जो बताया पहला वो बराबर है, स्टेबल एंड डिटरमिनेंट। ओके, वो फिगर के हिसाब से। अभी ये फिगर के हिसाब से बता दो कि क्या है। Stable but indeterminate by one. Exactly. Stable bus but indeterminate by one. Exactly. So DSE is equals to 3 minus 3 is equals to 0. And DSI is equals to how its members? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 16 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 into 9 minus 3, 1 minute, 18 minus 3, 16 minus, 15 plus 1. Okay, it is greater than 0. Hence, indeterminate. 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 Indeterminate kaha pe? Internally. Internally indeterminate. Externally determinate. Internally. So DSI. So DOSI. It is equals to 0 plus 1 is equals to 1. So overall stable but
इंटरनली बट इनडिटरमिनेंट बाय वन, इनडिटरमिनेंट बाय वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये भी बताओ, क्या आप सॉल्व करके देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चंस? हाँ सर. आपको अभी आइडिया तो आ गई है, तो आई थिंक सो देर आर द 11 क्वेश्चंस ओनली. प्रीवियस गेट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो इसके साथ. 11 सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लो, बाकी आप जो है बाकी बचे वाले क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर लेना. जो भी नहीं आया क्वेश्चन वो मैं सॉल्व कर दूंगा अभी यहाँ पे. ओके, आपने अगर ट्राई नहीं किया तो मजा नहीं आएगी, अपने ट्राई करने को ना. ओके, ये वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ अभी. मे बी ये क्वेश्चन हो गया है अपना. DOSI 0, DSI, DSC भी 0. यानी क्या होगा? Stable determinant. Stable. Stable or determinant? Yes, stable and determinant. Option is? Third one, C. C is the answer. Okay, C is the answer. यानी only three only is the answer. थ्री ओनली इज द आंसर. तो प्लीज आप सभी की सभी सॉल्व कर लो क्वेश्चंस. आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो अपन कल ले लेंगे. आप ट्राई करो खुद से, अगर ट्राई करोगे तो मजा आएगी. यानी मैं टाइम देने से बेटर है कि कल मैं डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर दूं. ओके, और प्रीवियस गेट क्वेश्चन प्लीज, प्रीवियस गेट क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो. प्रीवियस गेट क्वेश्चन आपके ऐप से भी निकाल सकते और इससे भी निकाल सकते. तो इसके जो स्टैटिकली डिटरमिनेंट वाले जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सॉल्व कर लो, एंड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें. ओके गाइस, सो मिलते हैं अपन कल.